हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आपके किसी इनकम पे टीडीएस कटता है तो टीडीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब भी आपको पेमेंट किया जाता है तो टैक्स पहले ही काट लिया जाता है और गवर्नमेंट को आपके पैन नंबर पे वो टैक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप कैसे चेक करेंगे जो पर्सन टीडीएस काट रहा है, वो चाहे इनकम आपकी सैलरी की हो या अदर देन सैलरी की इनकम हो, क्या वो सच में वो टीडीएस वो टैक्स अमाउंट आपके पैन नंबर पर डिपॉजिट कर रहा है? जितना अमाउंट उसने डिडक्ट किया है टैक्स, क्या वो उतना ही अमाउंट डिपॉजिट कराया है या उससे कम कराया है? जिस अमाउंट पे उसने टीडीएस काटा, क्या वो अमाउंट भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट की गई है? दोस्तों, जब भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26AS में दिख जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों, एक सैलरीड एम्प्लॉय को जब फॉर्म 16 इशू होता है तो सबसे पहले उस पर्सन को क्या देखना है कि यहाँ पे जो सैलरी रिपोर्ट की गई है, ये सैलरी आपके फॉर्म 26AS में भी दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जब फॉर्म 26AS को ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी का अमाउंट है 8,93,000, लेकिन जबकि फॉर्म 16 में 10 लाख की से ज्यादा की सैलरी है। तो यहाँ पे ये मिसमैच हो रहा है, लेकिन जब टैक्स का अमाउंट आप वेरीफाई करेंगे तो टैक्स का अमाउंट क्या है, सेम आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो चीजें होती हैं, इसको आपको वेरीफाई करना है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर कि आप अपने इनकम पे जो भी टीडीएस कट रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को आप ट्रैक कर सके। दोस्तों, आपके किसी भी इनकम पे यदि टीडीएस कट रहा है तो उसको आप एक ही वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे आना है और को इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना होगा, रजिस्टर एज न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको डिडक्टर, टैक्स पेयर, पीएओ, यहां पे काफी सारे लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन आपको यहां पे टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। आपको 5 स्टेप्स यहां पे कंप्लीट करने हैं इस पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इन स्टेप्स को समझिएगा, क्योंकि यदि आपका कोई भी स्टेप यदि गड़बड़ हो जाता है तो फिर उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा और आप अपने टीडीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पे पैन नंबर अपना इंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना है। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये आपको पैन कार्ड पे ही मेंशन होगा, वो आप देख लेंगे। और यहाँ पे ये जो वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है, ये आपको इस बॉक्स में एज इट इज इंटर करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे अब आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में ही आपको डाटा फिट करना है, सारे ऑप्शन में आपको डाटा फिट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों, यदि आपका टीडीएस कोई कटा है, टीसीएस वगैरह डिपॉजिट हुआ है, तो उसका यदि डिटेल्स आपके पास है, चालान वगैरह की कॉपी आपके पास है, आपका जो टीडीएस डायरेक्टर ने आपको दिया हुआ है, तो आप वो डिटेल्स भी सबमिट कर सकते हैं, जिसे 10 नंबर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं डायरेक्टर का। और दोस्तों, यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है कि उसने टीडीएस आपका किस पे डिडक्ट किया है, सैलरी पे किया है, नॉन सैलरी के टीडीएस है या फिर टीसीएस वगैरह पे कलेक्शन किया है। असेसमेंट ईयर दोस्तों यहां से आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आपका ये टीडीएस डिडक्ट हुआ है। इसके बाद मंथ, किस मंथ में टीडीएस काटा गया है और किस ईयर का है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है और टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। दूसरा ये है कि यहाँ पे यदि आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाई करी हुई है या फिर आपने किसी पर्सन को रेंट पे किया हुआ है 50,000 से ज़्यादा और उस पर आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, तो आपका यदि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे एंटर करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, चालान का सीरियल नंबर, यदि आपने यहाँ पे डिपॉजिट करा है तो चालान आपको जनरेट हुआ होगा, उसका सीरियल नंबर डालेंगे, उसका अमाउंट आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो फॉर्म 26Q-B से इसमें डाटा आपको फीड करना है। बेसिकली जो बायर जो इमोवेबल प्रॉपर्टी को बाई करता है उस पर टीडीएस से डिडक्ट करना पड़ता है, तो वो क्या करता है, फॉर्म 26Q-B में टीडीएस का रिटर्न फाइल करता है। इसके बाद जो सेलर है उसको वो फॉर्म 16C जो है इशू कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आप जो है फॉर्म 26Q-B में जो भी इंफॉर्मेशन हो उसके अनुसार इसको फीड करके डाटा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करना है, पैन नंबर ऑफ द बायर या अमाउंट कितना पे किया गया है या क्रेडिट किया गया है वो अमाउंट इंटर करना है। इसके बाद यदि कोई करेक्शन या रिक्वेस्ट आपने करा है तो फिर उस केस में
अपडेटेड पैन बायर का इंटर करना है, सेलर का इंटर करना है, और यहाँ पे पैन नंबर ऑफ सेलर इंटर करना है। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, सैलरीड क्लास की पर्सन है और आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है, तो आप ऑप्शन वन, ऑप्शन टू और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थ्री को आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे ऑप्शन फोर पे यहाँ पे आ जाइएगा। और ऑप्शन फोर पे आने के बाद आपको आधार से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है और आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहां पे जो ऑथेंटिकेशन है आधार के थ्रू ही करना है। तो यहां पे आधार सेलेक्ट करके आपको अपना आधार नंबर यहां पे एंटर करना है और आपको इस बॉक्स को चेक करना है, देन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी जो कि आधार से लिंक होगा मोबाइल नंबर, वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करना है, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, मतलब प्रॉपर एड्रेस जो आपका होगा। तो यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर एंटर करना है, प्रीमाइसिस, बिल्डिंग, रोड, एरिया, लोकेलिटी, इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, वो यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट में आपका आता है। पिन कोड आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी एंटर करनी है। ये डिटेल्स आप एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद दोस्तों आपको अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे यूजर आईडी आपका पैन नंबर ही रहेगा और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो क्रिएट करना कर सकते हैं। ध्यान रखना ये कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। इसके बाद मैक्सिमम 8 लेंथ का यहाँ पे मिनिमम 8 लेंथ होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 15 लेंथ का होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे जो स्पेशल करेक्टर आप नीचे देख सकते हैं और जो नीचे आप पॉइंट नंबर 6 पे देख रहे हैं स्पेशल करेक्टर, बस यही स्पेशल करेक्टर आपको डालना है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर आप डाल नहीं पाएंगे। इसके बाद अगेन वही पासवर्ड आपको कंफर्म करना है और यहां पर आपको कोई भी एक सिक्योरिटी नेम यहां पे आपको चूज करना है। जैसे कि आपने पहला ऑप्शन चूज कर लिया कि आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन किया था और यहां पे ईयर एंटर करने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इसके पहले डाली है सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपको इसमें वन बाय वन करके वेरीफाई कर लेना है। यदि कोई गलती यदि इसमें आपसे हो गई है तो आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। यहां पे एडिट बटन पे आपको क्लिक करके आपको इसको कंफर्म, तो एडिट पे आप क्लिक करके इसमें करेक्शन अपना कर सकते हैं। यदि सारी इंफॉर्मेशन आपकी सही है तो फिर उस केस में आप यहां पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपने सारी इंफॉर्मेशन को डालने के बाद कंफर्म किया तो देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। अब क्या है कि आपके एक ईमेल एड्रेस पे एक एक्टिवेशन लिंक गया होगा और साथ में मोबाइल नंबर पे आपको एक कोड गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्लीज क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक विद इन 48 आवर्स रिसीप्ट ऑफ ईमेल टू अवॉइड डी एक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट। अब आपके ईमेल आईडी में जो एक्टिवेशन लिंक गई है उसको आपको 48 घंटे के अंदर उस पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर लेना है। यदि आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका ये जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद एंटर द कोड सेंट वाया ईमेल एंड मोबाइल इन द एक्टिवेशन लिंक स्क्रीन। अब एक्टिवेशन लिंक स्क्रीन जो आपके सामने ओपन होगी, आपके ईमेल आईडी पे भी एक कोड गया होगा, मोबाइल पे भी एक कोड गया होगा, दोनों ही कोड आपको एक्टिवेशन लिंक पे एंटर करना है। तो एक्टिवेशन जो कोड 1 है ये आपको मेल के थ्रू आपको रिसीव होगा, ठीक है, और जो एक्टिवेशन कोड 2 वाला है ये आपको एसएमएस के थ्रू रिसीव होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं लिंक आपको यहाँ पे भेजा गया और यहाँ पर आपको एक्टिवेशन कोड 1 दिख रहा है। दोस्तों ये जो एक्टिवेशन कोड 1 है ये आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद जो सेपरेट आपका एक्टिवेशन कोड 2 है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन कोड 2 ये आपके मोबाइल नंबर पे एंटर किया गया भेजा गया होगा, वो कोड भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आपको इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यूजर आईडी एंटर करना है, यानी कि आपका जो पैन नंबर है वही एंटर करेंगे और जो आपके ईमेल आईडी पे जो कोड भेजा गया था वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, एक्टिवेशन कोड 1, और यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर पे एक्टिवेशन कोड 2 भेजा गया था वो एंटर करना, देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके बाद सिंपली आपको होम पे आना है, लॉग इन पे क्लिक करना है, लॉग इन पे आपको टैक्स पेयर पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको यूजर आईडी में अपना पैन नंबर एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो एंटर करना है, देन आपको यहां पे पैन नंबर अगेन फिर से आपको एंटर करना है।
ठीक है, देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपकी स्क्रीन पे काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है जो कि आप चेक कर सकते हैं। जैसे यदि आपने कोई प्रॉपर्टी बाई करी है या फिर आपने रेंट पे टीडीएस डिडक्ट किया है, उसका आपने टीडीएस रिटर्न फाइल किया है, तो आप यहाँ से फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D, फॉर्म 16E जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने कितनी सैलरी रिपोर्ट की है। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, देन आपको यहां पे गो पे क्लिक करना है और आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपके पैन, आपके जो एम्प्लॉयर है उसने कितना सैलरी रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों इसको आप पहले ही चेक कर लेंगे और यदि कोई गड़बड़ी रहेगी तो आप अपने एम्प्लॉयर को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं और इस डाटा को आप करेक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपका जो भी टीडीएस वगैरह कटा है उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेरीफाई टीडीएस सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, जो आपको फॉर्म 16 इशू किया गया है उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल के यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ITR फाइल करते समय आपके पास फॉर्म 16 नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पे आप इसको जो है क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कितना आपका टीडीएस जमा किया गया है, सही किया गया कि नहीं किया, कितनी सैलरी रिपोर्ट की गई है। ठीक है, प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों आपको टीडीएस से रिलेटेड सैलरी की इनकम फॉर्म 26AS सारी चीजें आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आप जो है कोई भी करेक्शन वगैरह आपको कराना है, जैसे मान लीजिए इस पर आपने क्लिक किया और कोई भी 26QB, 26QC, QD, QE इसमें आपको करेक्शन यदि करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, यदि आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है और जो कि आपने अपने ITR में उसको क्लेम नहीं किया है तो आप यहां से रिफंड के लिए रिक्वेस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको यहां पे मिलती है, चालान स्टेटस भी मिलता है, कोई भी चालान जमा हुआ तो आप यहां से स्टेटस भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों यहां पे देखिए ऑप्शन है, डाउनलोड का भी ऑप्शन है, आप यहां से सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपको यहां पे मिलते हैं। फॉर्म 16 वगैरह डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि वो तो बेसिकली एम्प्लॉयर ही अपने पोर्टल से डोनेट करके देगा। तो सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।